पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के कार्यकाल के दौरान जमकर लूट मचाई गई है। इमरान खान ने देश को कंगाल दिखाया, लेकिन उनके मंत्रियों की जेब बराबर भरती चली गई। कभी उनकी बीवी बुशरा के करीबी दोस्त फरा के चिट्ठे खुलते हैं तो कभी उनके मंत्रियों के। ऐसे में अब सरकार की ओर से इमरान के कार्यकाल के दौरान उनके मंत्रियों की बड़ी हुई संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में इमरान खान ने जो खोखले वादे किए थे, उनकी पोल इमरान को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद खुलती जा रही है। खान ने अपनी सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के वादे के साथ बनाई, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। लेकिन अब इमरान सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचारों की पोल खुलने लगी है। अब इस बात का खुलासा हुआ है कि इमरान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के कैबिनेट में शामिल लगभग एक दर्जन सदस्यों की संपत्ति में इजाफा हुआ है। इमरान की पार्टी के ये नेता एक सांसद और मंत्री के रूप में सरकार में शामिल थे और इन्होंने 3.5 साल के कार्यकाल में जमकर लूट मचाई। आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक हाई प्रोफाइल पूर्व मंत्रियों शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद अहमद, उमर अयूब खान, आजम खान स्वाति, खुसरो बख्तियार, फैजल वावदा, शफकत महमूद, फहमीदा मिर्जा, जुबैदा जलाल, महबूब सुल्तान और तारिक चीमा की संपत्तियों में खूब इजाफा हुआ। इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे नेताओं की ओर से पाकिस्तान के चुनाव आयोग और देश के टैक्स अधिकारियों को दी गई जानकारी की महीनों तक जांच की गई, जिसके बाद पता चला कि कई पूर्व मंत्रियों की संपत्तियों में बेतहाशा इजाफा देखा गया। कई नेताओं की संपत्तियों में तो 3 गुना तक की वृद्धि हुई। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक उस समय कार्यभार संभाल रहे 6 मंत्रियों को चुनाव आयोग की तरफ से 2019 और 2020 में नोटिस भी भेजा गया था। इन मंत्रियों में तो पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद की संपत्ति में 2014 से 2019 के बीच 278.68% से अधिक की वृद्धि देखी गई। रशीद की ओर से 2014 में दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी संपत्ति उस समय 3.9 करोड़ रुपए थी, लेकिन 2 सालों के अंदर ही उनकी संपत्ति में इजाफा देखने को मिला। 2016 में उनकी संपत्ति 4.4 करोड़ रुपए हुई और फिर 2017 में ये 4.6 करोड़ रुपए हो गई। वहीं 2018 में सत्ता में आने पर उनकी संपत्ति 10 करोड़ रुपए हुई और फिर ये 2019 तक 14.9 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। पूर्व मंत्री उमर अयूब खान और उनकी पत्नी की संपत्ति में 5 सालों में 203% का इजाफा देखने को मिला। पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी 1 दशक तक संसद में रहे और 2 बार कैबिनेट मंत्री का पद संभाला। 2014 से लेकर 2019 में उनकी संपत्ति में 241% का इजाफा हुआ। इस सब पर अब सरकार ने ध्यान दिया और कुछ पूर्व मंत्रियों को नोटिस जारी किया। इस नोटिस में उनसे पूछा गया कि संपत्ति में इतना अधिक इजाफा किस वजह से हुआ है, इसकी जानकारी सरकार को दी जाए। इसके जवाब में पूर्व मंत्रियों का कहना है कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि संपत्ति की जानकारी को शुरू में ठीक ढंग से दर्ज नहीं किया गया, जबकि वक्त के साथ संपत्तियों की बढ़ती कीमत को भी ध्यान में नहीं रखा गया। लेकिन अब तो इमरान के मंत्रियों के घोटाले के चिट्ठे खुल गए हैं। ऐसे में अब इन मंत्री और नेताओं को अपनी बढ़ी हुई संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा गया है। पाकिस्तान की सरकार की ओर से इमरान के मंत्रियों की बढ़ी हुई संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है, लेकिन ये ब्यौरा वो देंगे कहां से? जब उनके पास संपत्ति का ब्यौरा होगा तो ही तो वो दे पाएंगे। ऐसे में इमरान खान सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद पहले ही बिलबिलाए घूम रहे हैं और अब जल्द ही उनके नेताओं पर भी शिकंजा कसा जाना है, जिससे खुद को बेचारा दिखाने वाले इमरान खान की मुसीबतें और भी बढ़ जाएंगी। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।